नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको फिर से दिखा रहा हूँ सपनों का शहर जैसलमेर। बहुत ही शानदार शहर, पीले बलुआ पत्थर से बनाए गए, सड़क के चौराहे बहुत ही शानदार बने हुए हैं, यहाँ पर हवेलियाँ बहुत शानदार हैं, किला बहुत ही यहाँ का अच्छा है जिसको हम सोनार दुर्ग के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं आपसे अगर ऐसा शहर कोई ढूंढने को कहूँ जैसलमेर जैसा, तो शायद दुनिया में कोई दूसरा शहर नहीं मिलेगा। और पुरानी हवेलियाँ जैसे ये है हमारी सालिम सिंह की हवेली, पटवा हवेली, नथमल हवेली, पर्यटक अभी तक तो सिर्फ वो हवेलियाँ ही देखने आया करते थे, किला देख लिया करते थे, लेकिन अब जो जैसलमेर में ये नई हवेली आप देख रहे हैं, इन हवेलियों का बनने का दौर शुरू हो चुका है। और ये जो नई हवेलियाँ बनाई जा रही हैं ये पुरानी हवेलियों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। फिलहाल ये हवेलियों का निर्माण सन 2000 के बाद ही शुरू हुआ है और 1800 से लेकर के, और हम बात करें सन 2000 तक, तो 200 सालों तक ये हवेलियों का निर्माण बिल्कुल रुक गया था। लास्ट जो अच्छी बिल्डिंग जैसलमेर में बनी थी वो मंदिर पैलेस जो 1885 में बना था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी हवेली बनाई गई हो। लेकिन पहले ये होटलों का निर्माण शुरू हुआ, जो होटलों का निर्माण था वो हवेलियों के स्वरूप में शुरू हुआ था, और अब यहाँ के घरों को भी हवेलियों का रूप दिया जाने लगा है। और बहुत ही शानदार नक्काशी, इतनी बारीक है इस पीले पत्थर पे कि पर्यटक जब गुजरते हैं यहाँ से तो बरबस ही वो यहाँ पर रुक जाते हैं, उनकी फोटोग्राफी करते हैं। तो जैसलमेर कुछ दिनों में पूरा शहर ऐसी हवेलियों से भरा हुआ नजर आएगा, और किला जो जैसलमेर का है, पटवा हवेली, नथमल हवेली के बाद भी बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है देखने के लिए। तो अभी हम जिस गली से भी गुजरते हैं वहाँ पर ऐसी हवेलियाँ हमको नज़र आ ही जाती हैं, और जो पुराने घर थे जो छोड़कर चले गए थे लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और वहाँ से पैसे कमा कर ला रहे हैं, तो अपने घरों का निर्माण वो हवेली के स्वरूप में करवा रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये हवेली देख रहे हैं आप, इसकी डिजाइन देखिए, बहुत ही बारीक, यानी पटवा हवेली में भी इतनी बारीक डिजाइन हमको नज़र नहीं आती है, उससे भी ज़्यादा बारीक। और गहराई देखिए इस पत्थर के अंदर, कितनी गहराई में इस डिजाइन को बनाया गया है। इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये पत्थर है बहुत ही कठोर है, और इस पर छेनी हथौड़े किस प्रकार से जो यहाँ के कारीगर चलाते हैं, और इतना हाथ उनका कितना सदा हुआ होता है कि एक गलत हथौड़ा पड़ने पर पूरी डिजाइन बेकार हो सकती है। लकड़ी के दरवाजे भी बड़े ही शानदार यहाँ पर बनते हैं। फूल पत्ती और बेल बूटों से भरी हुई ये नई हवेलियाँ, इनको मन करता है हम देखते ही रहें सच में दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद जैसलमेर का पूरा शहर इन हवेलियों के रूप में तब्दील होने वाला है। तो इन हवेलियों का जो निर्माण हो रहा है वो, उससे बहुत सारी हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको बचाने में बहुत ही सहयोग हो रहा है। और ये जो कला लुप्त सी होती जा रही थी, और वो उस कला को भी एक नया जीवन दान मिला है, और बहुत से कारीगर अब इस कला की तरफ, इस काम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद बहुत सारे ऐसे कारीगर हो जाएंगे जो इस बारीक नक्काशी को करने के लिए विदेशों तक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक चाहते हैं कि हम भी अपना घर ऐसा ही बारीक नक्काशीदार बनवाएं। पूछते हैं कितना कॉस्ट आता है, क्या ये कारीगर मिल सकते हैं, हम ऐसा घर बनवाना चाहते हैं। और कुछ लोगों ने बनवाई भी है, हैदराबाद, मुंबई में भी कुछ ऐसी हवेलियाँ इस पीले पत्थर की बनी है, यहाँ से लोग पत्थर लेके जा रहे हैं। मंदिर तो बहुत सारे इंग्लैंड तक पहुँच चुका है पत्थर, वहाँ पर भी मंदिर बने हैं इस पीले पत्थर के। और हम बात करें कि आप देश के कई हिस्सों में जाओगे तो इस पीले पत्थर के गेट या हम डिजाइन के रूप में जो जमीन के अंदर जो मार्बल होती है वो, उसका तो बहुत ही ज्यादा उपयोग पहले से ही होता आ रहा है। तो ये शानदार हवेलियां जैसलमेर की जो बरबसी हमारे आंखों को सुकून देती हैं, और मन करता है इन हवेलियों को हम देखते ही रहें। और जो होटल हैं इस तरह के हवेलियों नुमा, पर्यटक चाहते हैं कि इनके अंदर हम ठहरें। तो प्रचलन इसलिए भी बढ़ रहा है कि डिमांड इसकी ज़्यादा है, पर्यटक भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये गलियाँ देखिए, और ये इन गलियों में जब भी हम जाएंगे तो हमको ऐसी हवेलियाँ हर गली के अंदर नज़र आ जाएंगी। और वैसे तो बहुत ही खूबसूरत शहर है ही, पीले पत्थर के घर बने हुए हैं, वो
हमारा ध्यान वैसे ही आकर्षित कर लेते हैं। और अगर हवेली नुमा हो तो फिर क्या कहने। तो जो पुराने घर टूट रहे हैं और उनकी जगह नए घर बन रहे हैं, उन सब में झरोके बहुत ही शानदार लगाए जा रहे हैं। तो एक ये गली है और इधर उधर हम झांकते हैं तो हमको ऐसी हवेलियां नजर आती हैं। ये सोनार किला हमारा पुराना पीले पत्थर का बना हुआ, लगभग 864 साल से ऐसा ही ये इस रेत के बीच में खड़ा है। और ये पत्थर ये सबूत देता है किला के पत्थर कितना टिकाऊ है, कितना मजबूत है। 864 साल से इस किले का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। पटवा हवेली 200 सालों से खड़ी हुई है, तो ये पत्थर टिकाऊ भी है और मजबूत भी। तो ऐसे हम और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे जैसलमेर के। आप दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।